नमस्कार, मैं मेघा गंगराड़े फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ नए आसनों के साथ। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, आप आसनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, और अगर आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज हम देखेंगे कि खड़े होकर आसन कैसे किए जाते हैं, उनका क्या सिक्वेंस होता है। हम कर रहे हैं खड़े होकर आसन। खड़े होकर करने वाले आसन की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में सीधे, गर्दन सीधी, सामने देखना है। धीरे से हाथ उठाना है, हथेली टर्न करनी है, हाथ ऊपर करना है। अब हमें लेफ्ट साइड बैंड होना है, जो उल्टा हाथ है वो घुटने से नीचे ले जाने की कोशिश करनी है, होल्ड रहना है थोड़ी देर, फिर धीरे से वापस आना है, हाथ लेकर आना है नीचे, हथेली टर्न करनी है, हाथ नीचे लेकर आना है। अब इसे करेंगे दूसरी तरफ से, हाथ ऊपर, हथेली टर्न, फिर हाथ को कान से लगाकर रखना है, फिर राइट साइड बैंड होना है, आगे पीछे नहीं होना है, सिर्फ साइड में बैंड होना है, कुछ सेकंड होल्ड रहना है, फिर आएंगे धीरे से वापस, हाथ लेकर आएंगे नीचे की तरफ, हथेली टर्न, हाथ रखेंगे नीचे की तरफ। अब खड़े होकर करने वाले आसनों का विश्रामदायक आसन करेंगे। खड़े होकर दंडासन करेंगे, दोनों पैरों में गैप, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की हथेली को पकड़ेंगे, गर्दन पीछे की तरफ लटका देंगे। ये किया था हमने अर्ध चक्रासन। बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे ताकि हम खुद को नए आसन के लिए तैयार कर सके। अब हम करेंगे द्विभुज कटी चक्रासन। फिर से खड़े होकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, हाथ उठाएंगे धीरे से सामने की तरफ। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, गर्दन सामने। आपको हाथों को आगे पीछे नहीं करना है, दोनों हाथों में गैप इक्वल रखना है, बराबर रखना है, गर्दन सामने रहेगी, कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे, फिर आएंगे धीरे से वापस, फिर दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, फिर जाएंगे बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, पीछे पलटकर हाथों का जो गैप है बराबर है या नहीं वो देख लेंगे, और फिर करेंगे गर्दन सामने की तरफ। पैर इस तरह से पीछे नहीं लेकर जाना है, सामने की तरफ रखना है, घुटना मोड़ना नहीं है, घुटने सीधे रहेंगे, हाथों में गैप बराबर, सामने देखना है, कुछ सेकंड होल्ड रहना है, फिर आएंगे हम धीरे से वापस, धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, फिर करेंगे हम दंडासन। बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे, लंबा गहरा श्वसन करेंगे। अब फिर से हम खड़े होने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, सामने देखना है, दोनों हाथों को साइड से कंधे के सीध में लेकर आना है, हथेलियाँ टर्न करनी है, हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने हैं, हथेलियाँ सामने की तरफ, हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, सामने से नीचे की तरफ झुकेंगे, जिसके हाथ जहाँ तक जाएं वहीं तक लेकर जाएं, घुटने मोड़ने नहीं हैं, स्ट्रेट रखने हैं, जिससे फाइनल पोजीशन हो जाती है वो करें। उंगलियों से अंगूठों को फिंगर लॉक बनाएं और सिर को घुटनों से टिकाना है, थोड़ी देर होल्ड रहना है, फिर धीरे से, अगर आप नहीं फाइनल पोजीशन कर सकते हैं तो एंकल पकड़कर थोड़ा थोड़ा खुद को पुश करना है, फिर धीरे से आना है वापस, हाथ ऊपर, हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ, हाथ फिर शोल्डर की सीध में, हथेलियाँ नीचे की तरफ, फिर आएंगे धीरे से वापस। अब फिर से करेंगे हम इसका विश्रामदायक आसन, दंडासन। बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे ताकि हम खुद को नए आसन के लिए तैयार कर सकें। फिर से हम खड़े होकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। अब पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, हम कर रहे हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। अब दोनों हाथ
ऊपर की तरफ उठेंगे और साथ में पैर भी उठेंगे, एड़ियां उठानी है। हाथों को फिंगर लॉक बनाकर ऊपर स्ट्रेच करना है, हथेली ऊपर की तरफ टर्न करनी है, पंजों पर रहना है, पेट अंदर की तरफ करने की कोशिश करेंगे। धीरे से हथेली टर्न करके वापस आएंगे। अब हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था, अब हम ताड़ासन में चल भी सकते हैं। जिन्हें एड़ी में दर्द होता है वो इस तरह से अगर ताड़ासन में चलते हैं तो उनकी एड़ी में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत लोगों को सुबह सुबह उनकी एड़ी दर्द होती है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं दिन में 3-4 बार तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर करेंगे हम दंडासन, बड़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे, लंबा गहरा श्वसन करेंगे। अब करेंगे हम वृक्षासन, फिर से खड़े होकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे। हमें पहले सामने एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है तभी हम कर पाएंगे। सीधे पैर की थाई पर उल्टे पैर के पंजे को इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथ मिलाकर सामने रखेंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। एक पॉइंट को सामने कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी आप स्थिर अवस्था में रह पाएंगे। धीरे से आएंगे हम वापस। अब हम इसे सीधे पैर से करेंगे, उल्टे पैर की थाई पर सीधे पैर के पंजे को रखेंगे, फिर हम नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और सामने एक पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कुछ सेकेंड होल्ड रहने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। अब हम इसका विश्रामदायक आसन करेंगे, दंडासन। वृक्षासन आपको बैलेंस सिखाता है, लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए रखना, कॉन्सेंट्रेशन पावर से बढ़ती है आपकी। तो आज आपने देखा कि अर्धचक्रासन, द्विभुज कटी चक्रासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, वृक्षासन कैसे किया जाता है। अगर आपको आसनों से संबंधित कोई समस्या हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको आसनों से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे हाई बीपी की, कि हाई बीपी में हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। तब तक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।